Hello everyone, this is Anirudh Walia. This is the lecture number 4 of Chemical Kinetics. In this video, we are going to cover zero order reaction. Zero order reaction की बात करने वाले हैं. Last video में, lecture number 3 में आपको एक question दिया था practice के लिए. Answer बोला था कि answer comment कर देना. क्या था question? भैया AIEEE 2002 का सवाल था. Rate का expression दे रखा था. Concentration of A into concentration of B का whole square. Order पूछ लिया था. कुछ नहीं करना था. 1 plus 2 क्या order 3 लिख दूँ? भाई ऑर्डर क्या हो गया, रेट इज इक्वल्स टू रेट लॉ एक्सप्रेशन से कंसंट्रेशन ऑफ ए बी की पावर 2, 1 प्लस 2 दैट विल गिव यू सिंपली 3, 3 इज द राइट आंसर. बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था. आइए चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. देखो मान लो कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, लेट्स से फॉर एनी जनरल रिएक्शन ए से प्रोडक्ट में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है. ए इज द रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या दोस्तों ऐसा लिख दूं कि रेट इज इक्वल्स टू के ए की कंसंट्रेशन रेस टू द पावर ऑर्डर, रेस टू द पावर ऑर्डर. जीरो ऑर्डर है तो जीरो लिख दूं. क्या हम ऐसा लिख दें कि सर रेट तो के बराबर निकल कर आ गया, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो क्या होगा, किसी की भी पावर जीरो क्या होगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वन होगा. किसी की पावर जीरो क्या वन बोलेंगे. ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या ऐसा लिख दूं, मैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख रहा हूं, माइनस डीसी बाई डीटी को क्या के बराबर लिख दूं. चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू के, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख रहा हूं इसलिए माइनस आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो खत्म हो रहा है. ठीक है दोस्तों, ठीक है अब मान लेते हैं दो चीजें देखना. क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सर डीसी इज इक्वल्स टू के डीटी, और यहाँ पर चलो माइनस यहीं लगा देते हैं, चलेगा चलेगा, या चलो इसको माइनस को इधर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे. DC इक्वल्स टू माइनस के डी टी लिख दूं. अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ सर, लेट से इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट और T टाइम के बाद की कंसंट्रेशन को CT लिख देता हूँ, और इनिशियल टाइम को क्या मैं जीरो लिख दूँ और फाइनल टाइम को T लिख दूँ. कैसे हुआ सर ये थोड़ा सा बता दीजिए दोस्तों, देखना एक बार. मान लो वो ये रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. अब सर मान लो कि टी इक्वल्स टू जीरो पर जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो कंसंट्रेशन कोई सी नॉट रही होगी, और टी इक्वल्स टू टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन रही होगी वो सी टी रही होगी. टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन कितनी है, ए की सी टी है. ठीक है तो सर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखूंगा, सी नॉट सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, सिंपल एक्सप्रेशन. ठीक है काम का एक्सप्रेशन कौन सा है दोस्तों, ये वाला है, CT is equals to C naught minus KT. CT equals to C naught minus KT. अब यहाँ पर CT क्या है लिख लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन. ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T. ये T टाइम के बाद की कंसंट्रेशन है सर, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्या हमें खाली एक्सप्रेशन याद रखना है. हाँ द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट और यूजफुल जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी. सी टी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, सी नॉट सॉरी सी टी इज दैट कंसंट्रेशन आफ्टर टी, आफ्टर टाइम टी. सी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है रेट कॉन्स्टेंट, टी इज द टाइम, टी इज द टाइम. ऑलवेज रिमेंबर केमिस्ट्री में कैपिटल टी जो होगा वो टेम्परेचर होगा, स्मॉल टी टाइम होगा. आइए दोस्तों एक ग्राफ बना लेते हैं सर, किस किस के बीच. ओके फाइनल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ सर. ये तो वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स टाइप हो गया, जिसका स्लोप नेगेटिव है, और ये अपनों के पास इंटरसेप्ट है विच इज सी नॉट, दिस इज द इंटरसेप्ट. और स्लोप क्या है, क्या सर स्लोप को हम माइनस के बोल दें. क्या दोस्तों इतनी सी बात लिखने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, सर ये तो कॉमन है, ये तो आसान है, हम तो सीख पा रहे हैं ये वाली बात. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. आइए अब छोटे छोटे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, अब छोटे छोटे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं सर. क्या क्या देखो ध्यान से आपको मजा आएगा. अब सबसे पहले एक और बात चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सर ये तो हमने लास्ट लेक्चर में निकालना सीख लिया था, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स लास्ट लेक्चर में निकालना सीखे थे ना. रेट इज इक्वल्स टू
इंटू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर जीरो, भाई ऐसे निकालना सीखे थे। और रेट क्या है, ये तो जीरो वन हो गया सर, रेट क्या हो गया, वही के की यूनिट हो गया, रेट क्या था, चेंज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी मोल पर लीटर अपॉन टाइम यानी टाइम इनवर्स। क्या इतना बात आप सीख पा रहे हैं, क्या इतना बात अपन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? हाँ, आइए अब एक छोटी छोटी बातें और कर लेता हूँ आप लोगों से। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर निकल कर आता है वो है एग्जाम्पल्स, जो आपको दिमाग में भी रखना है क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सर कैसे पूछेगा भाई, जरूरी नहीं कि सवाल वाला आपको हर चीज बता दे तो वो एग्जाम्पल की हेल्प लेगा। तो एक बात याद रखना, मैं लिखवा देता हूँ, जनरली जनरली डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, जनरली डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस एट हाई टेम्परेचर एट हाई कंसेंट्रेशन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जनरली गैसेस का डिकम्पोजिशन ऑन मेटल सरफेस, जनरली गैसेस का डिकम्पोजिशन ऑन मेटल सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखवा देता हूँ। फोस्फीन एक गैस है जिसको आप निकल पे डिकम्पोज करवाएंगे तो पी प्लस टू पी प्लस थ्री एच टू में टूट जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टू एच आई एक गैस है, इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड कन्वर्ट होगा एच टू प्लस आई टू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अमोनिया एक गैस है, प्लेटिनम के सरफेस पे आप इसको डिकम्पोज करवाएंगे एन टू प्लस थ्री एच टू, अगेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप क्लोरीनेशन यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, टू एच सी एल बना रहे हैं, अगेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये चारों एग्जाम्पल्स अपने को दिमाग में रखने हैं, सारे के सारे क्या हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। क्या इतना बात अपनों को समझ में आ गया, क्या इतना बात समझ में आ गया अपनों को? ओके दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको एक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ का मतलब क्या है सर? मतलब रिएक्शन की आधी लाइफ, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, रिएक्शन की आधी लाइफ। थोड़ा सा और समझे तो सर ऐसा बोलते हैं कि रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई होगी, कितने टाइम में रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई होगी, हाँ बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। ऐसा सोचना, अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेशन पढ़ा, Ct is equals to C naught minus Kt। मान लो कितने टाइम में सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, हमें क्या पता भाई। आपको एक रिएक्शन ये तो पता था कि A से प्रोडक्ट जा रहा था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये फाइनल कंसंट्रेशन थी। मान लो कि सारी की सारी इनिशियल कंसंट्रेशन खत्म हो जाए, सारा का सारा C naught किस में बदल जाए, सारा का सारा फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यानी आप ऐसे समझो A से प्रोडक्ट जा रहे थे, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर कुछ नहीं बना। एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, जब सारा का सारा ही खत्म हो गया तो ये सारा खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट सारा सी नॉट बन जाएगा। भाई सारा का सारा रिएक्टेंट यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो क्या दोस्त मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या सी नॉट का वैल्यू तो जीरो लिख दिया तो यहाँ से टाइम निकल कर कितना आता है, जिसको टी नॉट बोल देते हैं, क्या सर फिर ये तो सी नॉट के बराबर हो गया, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ सी नॉट बाई के? पहली बात सोच के देखो, क्या पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने पर टी नॉट का वैल्यू का सी नॉट बाई के बराबर आ जाएगा? सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा आधी रिएक्शन सर, यानी आधा खत्म हो तो सर एट टी हाफ, टी हाफ पे क्या होगा जब आधी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो सर ये सी टी जो है टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन, ये भी आधा रहा होगा इनिशियल का। तो क्या टी हाफ पे मैं ऐसा लिख दूं जो सी टी है वो सी नॉट बाई टू होता है, क्या सी टी सी नॉट बाई टू होता है? ठीक है, अब एक्सप्रेशन में डाल दो C नॉट बाय टू इक्वल्स टू C नॉट माइनस के टी, तो क्या दोस्त और T को क्या लिख देंगे, T हाफ, क्योंकि आधा रिएक्शन कब कंप्लीट हो गया है, कितने टाइम में। तो क्या दोस्त यहाँ से T हाफ का वैल्यू निकल कर ये आता है C नॉट बाय टू के, एक बार देख लीजिए मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ क्या बोला मैंने। मान लो कि पूरी की पूरी रिएक्शन, मान लो कि पूरी की पूरी रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती तो सारा का सारा C नॉट खत्म हो जाता, Ct क्या बन जाता, C नॉट। भाई सारा का सारा रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में तो अभी कुछ नहीं बना और बाद में सब खत्म, तो भैया सारा C नॉट। तो T नॉट का वैल्यू जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती तो क्या C नॉट बाय K निकल कर आता,
अब बोल रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, आधा रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा सर, यानी जो सी नॉट का वैल्यू है, जो सी नॉट का है और टी टाइम के बाद की जो कंसंट्रेशन है सी टी, क्या मैं उसको सी नॉट बाई टू लिख दूँ, सी नॉट बाई टू आधा कंप्लीट हो गया, एक्सप्रेशन में डाल दो सी नॉट की, सी टी की जगह सी नॉट बाई टू, सी नॉट माइनस के टी हाफ, के हाफ के टी हाफ, टी हाफ का वैल्यू क्या आ गया सी नॉट बाई टू के। सर वैसे भी देख सकते हैं, मान लो कि पूरी रिएक्शन को कंप्लीट होने पे सी नॉट बाई के टाइम लग रहा है, तो आधी रिएक्शन में सी नॉट बाई टू के, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ टी नॉट, आधा ही तो टाइम लगेगा, क्या ये सिंपल है, रिलेटेबल है। हाँ, अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, क्या हम इस एक्सप्रेशन से ऐसा बात कंक्लूड करें कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की, क्या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की, ये बात सोचने में किसी को दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसी लॉजिक पहले कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला ग्राफ, यदि मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ, पूरे लेक्चर में सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, टी हाफ वर्सेज सी नॉट का ग्राफ जो प्लॉट होगा तो क्या कुछ ऐसा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है। एक ग्राफ अभी आपने प्लॉट किया था सी टी वर्सेज टाइम, वो कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है। रेट वर्सेज टाइम ग्राफ क्या होगा, रेट वर्सेज टाइम, सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट तो एक कांस्टेंट निकल कर आया था टाइम के साथ, वो तो देखो के इज कांस्टेंट, तो रेट समय के साथ बदल ही नहीं रहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो क्या मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख दूं, तो क्या मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख दूं दोस्तों। आई होप आप इतना बात जरूर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आसान है कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। क्या इतना बात सोचने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर सारा थ्योरी मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है, सारा थ्योरी डिटेल में समझा दिया है, अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2 × 10⁻²⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखो आपको यूनिट को देखते ही समझ में आ रहा होगा सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यदि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो ना भी लिखे तो ठीक है, ठीक है वैल्यू दे दिया। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको ही करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, After 25 सेकेंड is 0.25 मोलर, find initial concentration, 25 सेकेंड के बाद की कंसंट्रेशन इतना है, इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोग मुझे बता दीजिए। अरे सर आसान है कुछ है ही नहीं, अब सोचो क्या क्या डाटा गिवन है, सॉल्यूशन सर k का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻²⁻², टाइम दे दिया 25 सेकेंड, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट पता करनी है, सी टी दे दिया है 0.25, खत्म, एक्सप्रेशन हमें पता है सी टी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी, क्या सी टी सी नॉट के टी सब डाल के यहाँ पर क्या मैं सी नॉट का वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या आपके आंसर का वेट कर सकता हूँ मैं, प्लीज कमेंट कर देना, जो भी आपका आंसर रहा हो प्लीज यहाँ पर मुझे कमेंट करना, आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन में काम का एक्सप्रेशन क्या निकल कर आता है, काम का एक्सप्रेशन एक ही है, Ct is equals to C naught minus Kt, स्लोप नेगेटिव रहेगा, और सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। हाँ सर ये वाली बात तो हो गई है, ओके ओके। क्या मैं आप लोगों से एक दो छोटे छोटे सवाल और कर लूँ, हाँ हाँ छोटे सवाल कर लीजिए, हालांकि आपके लिए मैं इस क्वेश्चन का जरूर वेट करूंगा, आपके लिए इस क्वेश्चन का जरूर वेट मैं कर रहा हूँगा, क्योंकि सवाल आसान है और आप बना भी सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सवाल। आइए बात कर लेते हैं अब एक छोटे से क्वेश्चन की ओर, ये वाले क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर करेंगे, और आप लोगों के बीच एक और अगला सवाल मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, देखना आपको ही आंसर करना है, दिस इज अगेन ए होमवर्क क्वेश्चन, दोनों के दोनों आपको ही करना है आंसर, कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, इफ रेट कांस्टेंट डायरेक्ट लिख देता हूं, इफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 2 × 10⁻²⁻² सेकंड इनवर्स एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज लेट्स से 2 मोलर
फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। बहुत ही छोटा सा सवाल, आंसर का वेट करूंगा और इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ। लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा करना है तो आप बड़ा कर लेंगे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर ये लेक्चर का ड्यूरेशन सही है 15 से 20 मिनट, तो भी आप लोग मुझे बता देना। हर लेक्चर को ईमानदारी से सुनना, नोट्स को ईमानदारी से बनाना, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में देने तक आप तक मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता फिर वीडियो कब आई, वीडियो कब नहीं आई। तो बेस्ट आप सब्सक्राइब कर लें, बगल में एक नोटिफिकेशन का बटन होगा उसको प्रेस कर लीजिए। दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, जहां फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी है, प्लीज आप उनको देखें और पूरी केमिस्ट्री का आनंद उठाएं। बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ एट योर होम, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।